नमस्कार, स्वागत है आपका जिप्सम स्पोर्ट्स वेयर प्रेजेंट वर्ल्ड कप संग्राम में को स्पॉन्सर्ड बाय आर्केड क्रिकेट एकेडमी। दोस्तों, आज अब से कुछ ही देर में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। दोनों दिग्गज टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे से टकराएंगी और इसी पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अविनाश सिंह। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ रहेगा आज के मैच में। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। आज अब से कुछ देर बाद ही इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। सेमीफाइनल के इस मुकाबले में दोनों महादिग्गज टीम आपस में एक दूसरे से भिड़ने वाली है। इस टूर्नामेंट में नंबर एक टीम यानी कि टीम इंडिया और अपने तीन मैच गंवा कर चौथे पायदान पर पहुंची टीम न्यूजीलैंड, तो क्या लगता है आपको कि आज के इस मैच में कौन फाइनल का टिकट लेके जाएगा? देखिए, भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही काफ़ी अच्छी टीमें इस टूर्नामेंट की, और रही बात भारत की तो टीम इंडिया ने अपने लीग मैचेस काफ़ी अच्छे खेले और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए लीग में नंबर एक का स्थान हासिल किया पॉइंट टेबल पर। और रही बात दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की, अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी इस टूर्नामेंट में, लगातार कई मुकाबले भी जीते, लेकिन इसके बाद अभी फ़िलहाल उन्होंने लगातार तीन मुकाबले गंवाए हैं और इस तीन मुकाबले के गंवाने के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम एक लय की कमी नज़र आ रही है, एक लय से भटक गई है वहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम, और उनकी गेंदबाजी ही इस समय कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है। और अगर आप उनकी बल्लेबाजी को देखें तो बल्लेबाजों ने काफ़ी निराश किया है अब तक इन मैचों में। तो अगर आपको टीम इंडिया से जीतना है या इस सेमीफाइनल को मुकाबले को जीतना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना पड़ेगा। अगर आप सुधार नहीं कर पाते तो ये नामुमकिन सा हो जाएगा न्यूजीलैंड टीम के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अच्छी है, एफर्ट कर सकती है, और रिकॉर्ड्स भी अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप में अब तक ये दोनों टीमें 7 बार आमने सामने हुई हैं, जहाँ पर न्यूजीलैंड ने 4 बार जीता है और 3 बार टीम इंडिया के नाम रहे मुकाबले। और इस टूर्नामेंट में लीग मुकाबला जो बारिश की वजह से धुल गया था, तो उस वजह से इन दोनों टीमों के बीच हमें एक मुकाबला जो था वो देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार सीधा इन दोनों टीमों का मुकाबला जो हमें सेमीफाइनल में आज देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना यह है कि जो टीम आज बल्लेबाजी में हो, चाहे गेंदबाजी में हो, चाहे फील्डिंग में हो, ये तीनों डिपार्टमेंट जो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, अच्छा परफॉर्मेंस देगी आज के मुकाबले में, वही टीम फाइनल का टिकट पाएगी। जैसा कि आपने बताया कि टीम न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी है जो वो नहीं चल पा रही है, बल्लेबाज टीम न्यूजीलैंड के नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन टीम न्यूजीलैंड के गेंदबाज जो है वो कहीं ना कहीं फॉर्म में है जी। तो क्या लगता है आज के मैच में कौन से ऐसे गेंदबाज है जिनसे टीम इंडिया के बल्लेबाजों को जो है वो बच के रहना है या वो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं? जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड टीम की गेंदबाजी लाइनअप है, जो उनका बॉलिंग लाइनअप है, वो काफ़ी बढ़िया रहा है इस टूर्नामेंट में, और ख़ासतौर से जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो टीम इंडिया के खिलाफ काफ़ी बढ़िया रहा है। और इसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो है ट्रेंट बोल्ट का, जो बिल्कुल फॉर्म में दिख रहा है इस वर्ल्ड कप में और सबसे ज़्यादा विकेट भी चटका है न्यूजीलैंड टीम के लिए उन्होंने। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सिद्ध साबित हो सकते हैं अगर वो लैब में दिखे और अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने टीम इंडिया के बल्लेबाजों के खिलाफ। इसके अलावा आप अगर देखें तो मिशेल सैंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी, ये भी ऐसे गेंदबाज हैं जो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए सिद्ध साबित हो सकते हैं अगर ये आज के मैच में अगर लय में दिखते, अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो। चलिए, ये तो बात हो गई गेंदबाजी की। अब बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला कि न्यूजीलैंड की टीम के जो बल्लेबाज है या उनकी बल्लेबाजी है वो खास कुछ चल नहीं पा रही है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करें कि आज के मैच में ऐसे कौन से बल्लेबाज है टीम न्यूजीलैंड के जिन्हें टीम इंडिया जो है, टीम इंडिया के गेंदबाज जो है जिन्हें वो सस्ते में निपटाना चाहेंगे या जल्दी निपटाना चाहेंगे उन्हें? ओल्ड ट्रैफर्ड के आज जिस मैदान पर ये मुकाबला है वहाँ पर अगर कोई भी टीम टॉस जीती है तो सबसे पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, और न्यूजीलैंड की टीम अगर टॉस जीती है पहले बल्लेबाजी करती है, तो ऐसे में टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए तीन नाम ऐसे होंगे जिनको जल्द से जल्द निपटाना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। और इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है मार्टिन गुप्टिल का, एक अच्छे ओपनर है न्यूजीलैंड के और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ मुकाबलों में भी और तेज़ी से रन बनाने में सक्षम है, और अगर उनका बल्ला चला तो न्यूजीलैंड की टीम 300 प्लस का स्कोर भी बना सकती है इस मैदान पर। तो ये है सबसे पहले टारगेट टीम इंडिया के बॉलर्स के लिए, और दूसरे टारगेट जो है वो है न्यूजीलैंड की टीम के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं बल्लेबाजी में, और वो है कप्तान विलियमसन। तो यहाँ पर जो केन विलियम्स है उनका जो परफॉर्मेंस अगर आप इस टूर्नामेंट में देखें तो काफ़ी बेहतरीन रहा है, हर मैच में उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है, चाहे बेशक बाकी बल्लेबाजों का उनको साथ ना मिला हो,
लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसी मैदान पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 148 रन की पारी खेली थी, अगर वो इस मैच में भी इस पारी को दोहरा पाते हैं या शतक लगा पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सिरदर्द साबित हो सकता है टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए और एक बड़ा स्कोर वो दे सकते हैं टीम को। तो अगर हम देखें तो दूसरा और सबसे अहम कड़ी जो है इस बल्लेबाजी ऑर्डर में तो वो है कप्तान केन विलियमसन, जिसको टीम इंडिया के गेंदबाज जल्द से जल्द निपटाना चाहेंगे। अब बारी आती है नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर आते हैं रॉस टेलर। काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज है, टीम इंडिया के खिलाफ खेलने का अच्छा खासा उनका उनके पास अनुभव भी है और जहाँ तक मुझे पता है ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो वो भी चाहेंगे टीम के लिए एक अच्छा एफर्ट दिखाना, एक अच्छी बल्लेबाजी करना चाहेंगे। तो वही टीम इंडिया के गेंदबाजों को अगर यहाँ सफलता मिल जाती है उनके खिलाफ तो काफ़ी कुछ मैच का रुख जो है वो टीम इंडिया के पक्ष में जा सकता है। तो ये तीन नाम हैं कुल मिलाकर जो टीम इंडिया के गेंदबाजों के टारगेट पर रहेंगे मेरे हिसाब से। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफ़र जो है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, और हमने इस पूरे टूर्नामेंट में देखा भी है कि टीम में कहीं ना कहीं जो है बदलाव होते रहे हैं। तो क्या लगता है आज का जो ये अहम मुकाबला है इसमें कैप्टन कोहली कुछ बदलाव करेंगे टीम में? देखिए अब क्योंकि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और ऐसे मोड पर टीम में बदलाव तो मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ देखने को मिले, और जहां तक कुछ बदलाव होगा तो ये कुछ खास बदलाव नहीं होगा। और रही बात नंबर सात पर, तो नंबर सात पर जैसे कि पिछले मुकाबले में देखा कि कप्तान कोहली ने रविंद्र जडेजा को मौका दिया था, युजवेंद्र चहल को बाहर बैठना पड़ा था, तो आज ये देखना होगा क्या कप्तान कोहली दो स्पिनर्स के साथ उतरते हैं, उसमें दो स्पिनर्स में अगर रविंद्र जडेजा सातवें नंबर पर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल में से किसी एक गेंदबाज को बाहर शायद बैठना पड़ सकता है आज के मैच में। तो ये देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कप्तान कोहली रविंद्र जडेजा को आज के मैच में फिर से मौका देते हैं, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है टीम इंडिया के, और उनके पास अच्छा खासा अनुभव भी है इंग्लैंड में खेलने का। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कप्तान कोहली को मौका देना चाहिए रविंद्र जडेजा के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने एज अ सब्स्टिट्यूट काफ़ी कुछ अच्छी फील्डिंग की है और अच्छे कैचेस भी लिए हैं पिछले कुछ मुकाबलों में, तो यहाँ पर अगर आप रविंद्र जडेजा को शामिल करते हो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि एक अच्छा फील्डर आपको मिल जाता है वहाँ पर, एक अच्छा स्पिनर मिल जाता है, जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी की थी, किफ़ायत गेंदबाजी की, एक विकेट भी लिया, और इसके साथ अगर बल्ले से भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो बल्ले से भी कमाल दिखाने में माहिर है। और अगर आपको याद हो तो जो प्रैक्टिस मैच था टीम इंडिया का, पहला प्रैक्टिस मैच न्यूजीलैंड से ही था जहाँ न्यूजीलैंड ने हराया था और वहाँ पर बल्लेबाजी बिल्कुल ही फ्लॉप रही थी, लेकिन वहाँ पर भी रविंद्र जडेजा ने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, अर्धशतक लगाया था और सबसे बड़े टॉप स्कोरर रहे थे टीम इंडिया के। तो इन सब परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि खासतौर से इस न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इस सेमीफाइनल मुकाबले में रविंद्र जडेजा को मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। और गेंदबाजी में अगर आप बदलाव की बात करें तो गेंदबाजी में अपने पिछले मुकाबले में देखा कि मोहम्मद शमी को आराम दिया गया था लास्ट लीग मुकाबले जो कि श्रीलंका से था, तो यहाँ पर ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कप्तान कोहली फॉर्म में चल रहे मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में जगह देते हैं या मोहम्मद शमी को बाहर बैठकर इंतज़ार करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे है, हाल ही में युवराज सिंह और अंबाती रायडू जैसे खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया और अब एक और खिलाड़ी के संन्यास की जो है अटकलें लगाई जा रही है, आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी की, तो क्या लगता है आपको वर्ल्ड कप के बाद धोनी संन्यास ले लेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे अटकलें कुछ सामने आ रही है जब बताया जा रहा है कि धोनी संन्यास ले सकते हैं वर्ल्ड कप के बाद, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि धोनी तो एक सबसे बेहतरीन और महान खिलाड़ी है और ये वो खिलाड़ी है, वो क्रिकेट का नाम है जिसके सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं बल्कि कई देशों के खिलाड़ी भी इनके फैंस हैं और इन्हें अपना आइडल भी मानते हैं, तो एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का। वनडे क्रिकेट में धोनी जैसा नाम अब तक शायद हमें देखने को नहीं मिला है, और कई दिग्गजों का मानना भी है कि धोनी के आने के बाद से टीम का जो एक स्तर है जो ओडीआई क्रिकेट में जो टीम इंडिया का जो लेवल बढ़ा है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान महेंद्र सिंह धोनी का रहा है। और हाल ही में BCCI के किसी अधिकारी ने ये घोषणा भी की है कि महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड क्रिकेट के बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट के बाद संन्यास ले सकते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत बात है कि धोनी ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया, कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया, और इससे पहले अगर आप ऐसा कुछ बयान जारी कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर ऐसा होगा कि आप प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड हो चाहे अधिकारी हो, उनके उनको इन बयानों से बचना चाहिए।
मुझे लगता है कि धोनी को जब रिटायर होने का, वो अपने सही समय पर सही वक्त पर रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे। और मुझे लगता है कि अभी उनमें कुछ क्रिकेट बचा हुआ है, वो अभी कंट्री को दे सकते हैं। और अगर आप देखें तो उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट अभी तक कोई ऐसा दिख नहीं रहा है टीम इंडिया में, और उनका रिप्लेसमेंट अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, या ऐसा विराट कोहली भी मानते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले एक खिलाड़ी, एक विकेटकीपर, एक बल्लेबाज उनके पाँचवें नंबर पर या चौथे नंबर पर एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए टीम के पास कि वो उनकी जगह ले सके। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो सही समय है। अगर ये धोनी रिटायरमेंट लेना चाहते तो ये उनका निजी राय होगा। ख़ासतौर से मैं चाहूँगा कि धोनी रिटायरमेंट के बाद कोच बने टीम इंडिया के, और जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया और देश के लिए, क्रिकेट के लिए जितना कुछ किया है, वो आगे भी उनका जो उनका योगदान है वो ऐसे ही चलता रहे। तो मुझे लगता है ये उनका निजी राय है, और कब उन्हें संन्यास लेना है वो अच्छे से जानते हैं, और हमें इस पर अटकलें लगाने या बयानबाजी की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो वो खुद ही तय कर लेंगे, और वर्ल्ड कप के बाद इस बात का खुलासा भी हो जाएगा कि वो संन्यास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अभी तो हाल फिलहाल इस तरह की खबरें सिर्फ महज अटकलें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज के मैच में कौन जीतेगा ये तो अब से कुछ ही देर बाद पता चलेगा। क्या न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को हराती है, या इंडिया की टीम न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में अपना टिकट पक्का करती है? और दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की जो अटकलें आ रही है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें इसके बारे में बताएं। देखते रहिए जिप्सम स्पोर्ट्सवेयर प्रेजेंट वर्ल्ड कप संग्राम। ताजा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.hindustanheadlines.in। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुकाबले के साथ, एक नए मैच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।